तो स्वागत है आप सभी का सच्चू बाबा ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ खेत में, बहुत दिनों के बाद मैं गया था भोपाल घूमने ऐसे ही। तो आज कम से कम 15 दिनों के बाद खेत में आया हूँ। तो अभी खेत में बताता हूँ गेहूँ कितने बड़े हो गए हैं, क्या क्या चीज़ लगाई है, क्या क्या हुआ है, कितने पानी हुए हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा आज मैं। तो सबसे पहले तो है ये है बरसी, इसको बरसी बोलते हैं, गाय भैंस के खाने के लिए होती है। इसको काट के ले जाते हैं और फिर घर काट के भूसा में मिला के खिलाते हैं, रेसे भी खिला सकते हैं। तो ये हो गई है काटने लायक, मतलब बड़ी हो चुकी है। इसके बाद ये इतनी जगह की कट चुकी है। इसके बाद ये है लहसुन, ये लहसुन लगाई है इतनी जगह में, ऐसे पौधे रहते हैं इसके। तो ये इतनी जगह में लहसुन लगाई है, इतनी जगह में ये अपने साल भर का कोटा हो जाता है, मतलब साल भर के लिए लहसुन हो जाती है इतनी जगह में। उसके बाद ये है धनिया, ये धनिया है, धना है। तो ये भी अपना साल भर का कोटा हो जाता है, इतने में ये वहाँ तक लगा है। इसके बाद ये है बटला, इसको हम मटर बोलते हैं ना, वो बटला है ये। तो ये दाल वाला है और बड़ा भी है, इसमें दोनों है, दोनों क्वालिटी है इसमें, मतलब। उसके बाद ये है गेहूँ, तो ये इतने बड़े हो चुके हैं गेहूँ। अभी इसमें एक पानी हो चुका है, इधर कुआ है, इधर ये गेहूँ, ये इतने बड़े हो चुके हैं, इनमें एक दवाई दे दी है अभी। तो ये है अपने गेहूँ, 1 महीने के हो चुके हैं, इनमें एक पानी भी दे दिया है, प्लस इनमें यूरिया और एक दवाई भी दे दी है, जो कि सरसों मार है। इसमें सरसों बहुत ज़्यादा उगाया था तो सरसों मार देनी पड़ी है, तो एक दवाई और यूरिया दे दिया है इसमें। अब सेकेंड पानी लगाएंगे अभी। ये साइड में छठा जी का खेत में इसमें नोजल चल रहे हैं जिसमें चने हुए हैं, और ये ट्रांसफार्मर है जो इसी साल लगाया है। उसके बाद ये चाचा जी का खेत है, इधर यहाँ से लेके वहाँ तक उधर रोड है, तो चाचा की भी है। इधर लहसुन और ये मेथी है शायद, और ये वही है बरसी, और ये बेर बेर का पेड़ है, इसमें बेर भी लगी है, दिखाता हूँ आपको। ये बेर भी लगी है इसमें, और अभी कुआ दिखाता हूँ आपको, मोटर कौन सी डली है इसमें। सारा सामान पड़ा रहता है, मोटर का सारा सामान पड़ा रहता है इसमें। इसके बाद ये नोजल रखे हैं कुछ, दो एक्स्ट्रा। ये है कुआ, तो कुएं के अंदर पानी नहीं पुर पाता है, तो इसके अंदर लगा है बोर। तो कुआ है 70 फीट, प्लस इसके अंदर से 72 फीट बोर है जिसमें मोटर चल रही है। इसके अंदर जो बोरवेल है उसमें मोटर चल रही है सबमर्सिबल, जो कि 5 हॉर्स पावर की है, 10 घंटे लाइट मिलती है, तो उसी के द्वारा खेतों में पानी होता है। इधर ये इतना पूरा खेत है अपना, 4 एकड़ के समथिंग अपना खेत है, प्लस उधर चाचा जी का है और इधर भी है। और ये नली है इधर, इधर पानी देने के लिए बरसी अरसी में। उसके बाद आम के पेड़ भी अपने खेत में, 1, 2, 3, 4, और उधर सागुन भी लगे हैं, सागुन सागवान जिसे बोलते हैं,